أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر لا يقول ما كرام معزز أعيان جمعية और मोहतरम हजरत व ख़वा मुझे अपने अज़ीज़ों से कुछ शिकायत अब तक आप मेरे अज़ीज़ों को सुनते रहे मुझे उन्हीं अजीज़ों से कुछ शिकायत थी उन्होंने बड़े ख़ूबसूरत अल्फाज में अच्छे अंदाज में मुझे बड़े बड़े खिताबात से नवाज़ा और अलकाब दिए अब आप सोच रहे होंगे कि जब शागिद इस कस्म की तकरीर कर सकते हैं तो उस्ताद की तकरीर कैसे होगी ये आप सोचते होंगे और आप मेरी तकरीर सुनकर मायूस होंगे तो मैं आपके सामने एक ही जुमले में इसकी वजाहत करूंगा कि हिंदी में कहते हैं गुरु गुड़ ही रह गए चिले शकर बन गए कहते तो इस तरह की ये बात है तो मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ अल्लाह का शुक्र है कि मेरा नाम मुक्रीन की फहरिस्त में नहीं है मुझको सदर बनाया गया और सदर का मतलब तकरीर करने का नहीं होता है उसे तसुर पेश करना होता है। तर ये पूरे जलसे का तसर और मैं एक लफ्ज़ में अगर कहूँ तो ये कहूँगा कि मैं इस जलसे से बहुत मुतासर हुआ इस जलसे को जिन लोगों ने बुलाया उनसे भी मैं बहुत मुतासर हुआ उनके अखलास की वजह से ये इजलास बहुत कामयाब हुआ और मैं तमाम सामीन हजरात से भी मुतासर हुआ हर उम्र के लोग हैं इसमें बच्चे भी हैं नौजवान भी हैं जवान भी हैं बड़ी उम्र के भी हैं लेकिन किस सुकून के साथ संजीदगी के साथ शौक़ से गौर से उन्होंने हर एक मकर को सुना ये बहुत काबिल तारीफ़ है मैं इससे मुतासर हुआ इजलास के जो जोवाना थे इनसे भी मैं बहुत मुतासर हुआ हर नवान वक्त की एक ज़रूरत और ज़रूरत है मुसलमानों को ऐसे ही पर सुनने और उनके मुताबिक जिंदगी बसर करने की जरूरत है आज हर मुसलमान को आज ये मुल्क जा रहा किधर जा रहा है और इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है ये सब बातें आपके सामने आई और औरतों के बारे में अच्छी अच्छी तकरीरें हुई कि औरतों के बारे में क्या दुनिया में क्या था हमेशा इस दुनिया में औरत मजलूम थी सताई गई थी और बहुत परेशान की गई थी इस्लाम ने ही औरत को उसके हकूक दिए इसलिए तारीख़ के अंदर ये लिखा कि औरत एक नई मखलूक़ का नाम है जो जहूर इस्लाम के बाद पैदा हुई का इस्लाम से पहले जो औरत थी औरत नहीं थी वो जानवर थी वो पैर की जूती थी वो कुछ भी थी लेकिन इस्लाम ने औरत के हकूक़ बताए और कितना मरतबा उसको अता किया उनके कदमों के नीचे जन्नत थे ये कहा इस्लाम ने और भी क्या कुछ बताया छोटी बच्ची हो बहन हो उनकी अच्छी परवरिश करने की जरूरत में अच्छी तरबियत और अच्छी जगह उनकी शादी करने वाला जन्नत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाएगा तो ऐसी कितनी बातें हैं तो मैं ये कह रहा था कि हमारे मुक्रीन हमारे अज़ीज़ मुकर्रेन ये कोई मामूली लोग नहीं हैं मामूली शख्सियतें नहीं हैं इनकी आवाज़ मक्के और मदीने पहुँचती है मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी ये सब लोग हैं आपने देखा इनकी तकरीर को इसमें सूरज की गर्मी भी थी चांद की ठंडक भी थी बारिश की बौछाड़ भी थी इनकी तकरीरों में हर ओान पर इन्होंने बताया और हर नवान का इन्होंने हक़ अदा किया और ऐसी अंदाज ऐसे अंदाज में कि हर सुनने वाले के दिल में उनकी बात उतरती थी उनके दिमाग को झिझोड़ती थी उनके दिलों को छूती थी तो मैंने यही कहा हमारे भाई अब्दुलज़ीम साहेब से कि मुझे मालूम नहीं कितना वक्त है अगर आप मेरे वक्त में भी पंद्रह मिनट आप बताते तो ये बहुत मुफीद होता सबके लिए मैंने कहा तो बहरहाल अब मैं आपके सामने क्या कहूँ इतनी बातें आप सुन चुके हैं मैंने एक आयत पढ़ी हम दो तो सलाद के बाद मैंने एक आयत पढ़ी इस आयत के पढ़ने का मेरा एक मकसद है इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कुंतुम खैरा उम्म नुरजत लन्नास तमरुनबिलूफत नादुलमुनकर अल्लाह ताला फरमाता है कि जिस तरह तुम्हारे पैगंबर नबियों के सरदार हैं इस तरह ये उम्मत तुम्हारी ये उम्मत उम्मतों की सरदार है ये फरमाया अल्लाह ताला ने ये खिताब क्यों मिला यूँ ही नहीं मिला उनके लिए एक काम उनके ज़िम्मे ये काम हवाले किया गया सारी दुनिया को अंधेरे से निकालना सारी दुनिया की जहालत का खात्मा करना ये काम अगर वो करेंगे तो ये खैर उम्मत है, उम्मतों के सरदार हैं तो आज आप देखिए हालात क्या हैं आज दुनिया किधर जा रही है दुनिया को भी छोड़ दीजिए हमारे मुल्क को आप देखिए क्या यहाँ हो रहा है हक़ इंसाफ़ का खून हो रहा है हकदार को उसका हक नहीं मिल रहा है जमाने जाहिलियत के अंदर भी यह बात नहीं थी जमाने जाहिलियत में बड़ा जुल्म था बड़ा फसाद था कत्ल व खुन रेजी थी किसी की इज्जत महफूज नहीं थी किसी की इफत महफूज नहीं थी किसी का माल महफूज नहीं किसी की जान महफूज नहीं तो जमाने जाहलीत के लोगों ने मिलकर एक अंजुमन बनाई उस अंजुमन का मकसद यही था कि हम किसी मज़लूम पर ज़ुल्म होने नहीं देंगे हम किसी मुसाफिर को लुटने और पिटने नहीं देंगे ये एक अंजुमन बनाई अल्लाह के रसूल अलैहि वम को नबूत नहीं मिली थी लेकिन आप इस अंजुमन के एक कारकुन थे एक रुकुन थे आप और आपने इसको इतना याद किया कि नबूत मिली आप हम भी सरदार बना दिए गए तब भी आप फरमाते आज भी अगर ऐसी कोई अंजुमन बनेगी जुल्म के ख़िलाफ़ हको इन को तब हक़ दिलाने के लिए तो मैं उसके लिए आगे बढ़ूंगा और उसमें शरीक होऊंगा ये फरमाया अल्लाह के रसूल ने इस मुल्क के अंदर हम क्या सोचते हैं हमारी हैसियत तमाशाई की नहीं है आप इस मुल्क को समझने के लिए यूं समझिए ये बहुत बड़ा जहाज है और बहुत बड़े समंदर में चल रहा है और आपको मालूम है कि समंदर में चलने वाला जहाज कितने खतरात के, का सामना करता है और यहाँ जो बुराइयाँ होती हैं इन बुराइयों को अगर हम नहीं रोकेंगे तो फिर ये जहाज़ गर्क हो सकता है और गर्फ होगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी मिसाल देकर बताया कि सिर्फ बुराई करने वाले ही नहीं डूबेंगे सारे लोग डूब जाएंगे इसके अंदर तो हमको यह बताया गया कुंतु खैरा उमतिनतिननास अनिल मुनकर बुराई को देखकर हम खामोश नहीं बैठ सकते हर एक को बुराई के सिलसिले में क्या करना है यह बताया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर आपके पास हुकूमत है अगर आपके पास ताकत है तो आप ताकत के ज़रिए बुराई को रोकेंगे बुराई को पनपने नहीं देंगे आप और अगर आपके पास इल्म है तो इल्म के ज़ोर से अपनी ज़बान को इस्तेमाल करके आप बुराई को रोकेंगे अगर आपके पास ताकत भी नहीं है इल्म भी नहीं है तो कम से कम अपने दिल से बुराई को बुराई करेंगे और यह बहुत ज़रूरी है आप से मैंने कहा कि अगर हम बुराई को नहीं रोकेंगे तो ये जहाज़ डूबेगा और डूबेगा तो सबको लेकर डूबेगा ऐसा नहीं कि सिर्फ़ बुराई करने वाले डूबेंगे जैसा कि अल्लाह ताला ने ख़ुद फ़रमाया वत्तक वफ़ित्ला तो सीबलमिन को खास सतन फरमाया सिर्फ़ालमिम ही नहीं आएँगी गिरफ्ट में सभी लोग इसकी गिरफ्ट आएँगे और दूसरी एक बड़ी ख़राबी उसकी तरफ मैं निशानदेही आपकी करना चाहता हूँ एक वक्त था पूरी दुनिया में और इस मुल्क में इस्लाम का एक मकाम था और मुसलमानों की इज्जत थी मुसलमानों का एहतराम था लोग ये समझते थे उनका अकीदा था और उनका तजर्बा भी था कि मुसलमानों की दुआ को उनका अल्लाह सुनता है ये वो समझते थे इसलिए अपनी मुश्किल में और अपनी मुसीबत में वो मुसलमानों के पास आते थे जब कोई कहत आता कोई बीमारी आती जब बारिश रुक जाती कहत आता ऐसे वक्त में वो मुसलमानों से कहते थे दुआ करो और आज भी आप देख सकते हैं मस्जिद में आप देख सकते हैं मग़रब में फजर की नमाज़ में जब उनके बच्चे अच्छे नहीं होते दवा से इलाज से अच्छे नहीं होते तो वह कहाँ आते हैं तो उनके पास एक था कि मुसलमान की दुआ अल्लाह ताली सुनता है कबूल करता है लेकिन कुछ दिनों से आप देखते हैं कि हमारी दुआओं में असर नहीं है हमारी दुआओं में तासीर नहीं है हम हर मसले के लिए दुआ करते हैं को बदलने के लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह से डरने वाले हुक्मरान बने ये हम दुआ करते हैं सबकी की असलाह के लिए हम दुआ करते हैं इंसानियत की असलाह के लिए हम दुआ करते हैं लेकिन इस दुआ इन दुआओं में असर कम है तो क्या कभी सोचा हमने कि हमारी दुआओं का असर कहाँ गया क्या काफ़िल हिजाज़ में एक भी हुसैन नहीं क्या कभी हमने सोचा तो इसकी वजह मैं एक हदीस आपको बताऊंगा अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने कसम खा के फरमाया अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम को कसम खाने की क्या ज़रूरत है क्योंकि सारे लोगों का ये अकीदा है कि सूरज आपसे सच्चे इंसान पर इस दुनिया में तुलू नहीं हुआ लेकिन आपने फ़रमाया कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है तुम लोगों को बुराई से रोकना चाहिए निकी का हुक्म देना चाहिए अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह ताला बदतरीन इंसानों को तुम्हारा हुक्मरान बनाएगा और तुम्हारे सबसे नेक लोग दुआ करेंगे और उनकी दुआ को अल्लाह ताला नहीं सुनेगा तिरमिज़ी के हदीस से अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फ़रमाया तो देखिए बुराई से रोकना इसको छोड़ देना और नेकी का हुक्म न देना इसकी वजह से क्या है हमारी दुआएं बेअसर हो जाती हैं हमारी दुआएं आज कुछ ऐसा ही हाल है दुआएं की जाती हैं अरब में भी की जाती हैं अजब में भी की जाती हैं हर जगह दुआ की जाती है लेकिन हमारी दुआएं लौट कर वापस आती हैं अरश से लौट के जब मेरी दुआएं आईं मैं ये समझा कि मेरे घर में बलाएं आईं और शायर ने जैसा कहा अगर मुसलमान की दुआ को अल्लाह ताला नहीं सुनेगा बुत ये ताना देंगे मुस्लिम का खुदा कोई नहीं अगर हमारी दुआ नहीं सुनी जाएगी तो गैर मुस्लिम ये तबसरा करेंगे बुत ये ताना देंगे मुस्लिम का खुदा कोई नहीं तो अल्लाह ताला ने हमको दुआ करने का हुक्म दिया और यहाँ तक फ़रमाया जो लोग तकबर की वजह से घमंड की वजह से अल्लाह ताला से दुआ नहीं करते ये लोग जलील बनकर जहन्नम में दाखिल होंगे ये फरमाया अल्लाह ताला ने बार, बार फरमाया अपनी हर मुश्किल और अपने हर मसले को मुझे बुलाओ उस अपनी तकलीफ़ दूर करने के लिए मुझे बुलाओ मैं तुम्हारे काम आऊँगा ये अल्लाह ताली ने कितनी आयतों के अंदर बताया लेकिन यही शराय रखे कि हमारा ईमान कैसा होना चाहिए हमारा अकीदा कैसा होना चाहिए दुआ को बुलाने का हुक्म देकर अल्लाह ताला ने ये बताया तो ये कमज़ोरी कहाँ है देखिए तारीख को आप देख लीजिए इस्लाम की तारीख को शुरू से देख लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय से आप देख लीजिए जब भी कोई नाजुक वक्त आया इस दुनिया में दुआओं ने ही इन मुसीबतों को दूर किया दिन मनवर में सख्त कहत जानवर मर रहे थे खेतियाँ जल रही थी इंसानों के हलक सूख रहे थे तो एक आदमी ने आकर कहा अल्लाह के रसूल सल्लाम से बारिश की दुआ फरमाई आपको खुद अंदाजा नहीं था लेकिन उसकी ख्वाहिश पर आपने दुआ फरमाई और बारिश ऐसी हुई पूरी धरती जल ठल हो गई सीरत की किताबों में लिखा हुआ है सारे मुसलमान खुश हो गए, एक दूसरे से मुआनका करते हैं मुबारकबाद देते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी तरफ मुंह करके आंसू बहा रहे रो रहे लोगों ने पूछा ये तो हंसी ये तो बहुत खुशी का मौका है आपके आंसू क्यों हैं? तो आपने फरमाया काश अबू तालिब ज़िंदा होते फरमाया क्योंकि मैं जब छोटा था तो अबू तालिब ने मेरी तारीफ़ में एक कसीदा लिखा था जिसमें कहा था उन्होंने अब यह मामो भी वजी यतामा शमाल तमामतराम मेरा बच्चा इतना मुबारक व मसरूद है कि अबर की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो अबर बरस पड़ेगा काश आज अबू तालिब ने एक शायराना ख्याल पेश किया था आज अगर होते तो किस कदर खुश होते तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर दौर के मसायल मुश्किल इस ज़मीन बड़ी मुसीबतों में मुबतला होती है चाँद ग्रहण सूरज ग्रहण ज़लजले और कहत क्या कुछ होता है कितनी बीमारियाँ आती हैं तो इन सब का इलाज दुआओं से होता था मुसलमानों की दुआओं से होता था जब भी कोई नाखुशगवार बात होती मामूली बात होती हदीस में आता अल्लाह के रसूल सल्लाम मस्जिद की तरफ तशरीफ़ ले जाते नमाज की तरफ तशरीफ़ ले जाते इस कस्म की बात आती और आपके बाद आपके सहाबा फिर ताबीन और हमारे असलाफ में से हर कोई दौर खाली नहीं था ऐसे नेक बंदों से लेकिन आज जो हम देखते हैं तो मैंने पहले एक बात आपसे कही कि सबके दिलों में चाहे उनका मज़हब कुछ भी हो इस्लाम का एक मकाम था मुसलमानों की इज़्ज़त थी एहतराम क्योंकि वो जानते थे कि ये लोग दुआ करेंगे तो इनकी दुआ कबूल की जाएगी और आज उनके दिलों में क्या बात आई है मालूम नहीं आज देखिए मुसलमान इसरो ज़मीन का सबसे जलील इंसान बनकर रह गया कहाँ इनको नहीं सताया जाता आप देख लीजिए मशरक़ में देख लीजिए मगरब में देख लीजिए जहाँ ये अकलीत में है वहाँ भी देख लीजिए जहाँ ये अक्सरीत में है वहाँ भी आप देख लीजिए सब जगह इनको सताया जाता है आज आप एक अखबार पढ़ेंगे कोई भी चीज़ पढ़ेंगे कितना खून बहा लोगों का नाम आता है वो सब के सब मुसलमान हों क्या कुछ हो रहा है तो हमें जागने की ज़रूरत है बेदार होने की जरूरत है अपनी कमजोरियों का पता लगाने की जरूरत है हमारे अकीदे में कहाँ कमज़ोरी आई हमारे अख्लाक में कहाँ खलल आया हमारे मामले में कहाँ ये, ये सब हमें पता लगाने की ज़रूरत है आज सिर्फ किसी को इल्ज़ाम देने की बात नहीं है ये उन्होंने किया ये मुखालिफ हुकूमत ने किया ये यहूदियों का काम है ये शैतानों का काम है ये नहीं है अपने मन में डूब कर पा जा सुरग़ ज़िंदगी आप हम सबको को बैठ कर सोचना चाहिए कि आज ऐसा क्यों हो रहा है सारे लोग यहूदियों के बारे में आया हदीस नहीं कि एक दौर ऐसा आएगा कि यहूदी किसी पत्थर के या दरख्त के पीछे छुपेगा तो पत्थर चिल्ला कर कहेगा हुना यहूदी हुना यहूदी कहेगा तो कुछ ऐसा दौर आज मुसलमानों पर आया हुआ है तो अब भी अगर हम नहीं जागेंगे अपने आप को नहीं संभालेंगे और गलती का पता नहीं लगाएंगे तो आने वाले दिन अल्लाह न करे बहुत मुश्किल के होंगे आजमाइश के होंगे सख्ती के होंगे तो मैंने एक आयत पढ़ी कहने के लिए कुछ कहना था वरना मैं इसका इरादा नहीं किया था अब कहने के लिए मैंने वो आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह ताला ने बताया कि तुम्हें इस दुनिया से बुराई को दूर करना है और इस दुनिया के अंदर तुम्हें नेकी को फैलाना है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के फरमाया अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे हुक्मरान बदतरीन लोग होंगे और तुम्हारे सबसे नेक आदमी भी दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को कबूल नहीं करेगा तो आम तौर पर दो तीन बातें बताई जाती हैं कि दुआ इसलिए कबूल नहीं होती अकल हराम से दुआ कबूल नहीं होती मक़ाल सच्चाई अगर ज़बान पर ना हो तो दुआ ये सब की नज़र है इस पर लेकिन जो हदीस मैंने आपको सुनाई इस पर हमें सामने रख कर हमें सोचना चाहिए कि जो आदमी जितना काम कर सकता है जिसके ज़रिए जितना हो सकता है बुराई को मिटाने का काम और नेकी को फैलाने का काम सबसे पहले हम अपने अंदर नेकी पैदा करें और बुराइयों से अपने आप को बचाएं और उसके बाद दुनिया के सामने करें हम करते हुए अगर असलाह करना चाहेंगे तो ये कभी नहीं होगा मैं फिर एक मरतब आप तमाम हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिस सुकून और संजीदगी के साथ आपने तमाम मुकर्रन को सुना और वह तमाम हजरात जिन्होंने इस अजलास को बुलाया उनके खलूस अखलास की तारीफ़ करता हूँ कि इस कस्म के कामयाब इजलास तभी होते हैं जब बुलाने वाले दीन का दर्द मिल्लत का दर्द ये सब सामने रख कर बुलाते हैं उनको कोई शोहरत नहीं चाहिए उनको कोई सिला नहीं चाहिए इस कसम इस नीयत के साथ जब बुलाते हैं तो इजलास कामयाब होते हैं मैं ला तबारक वाली से दुआ करता हूँ कि आप तमाम को और इजलास बुलाने वालों को और जो जिन लोग जिन हज़रा ने यहाँ हिस्सा लिया तकरीर करने में और तकरीर सुनने में इन सब को अल्लाह ताली नेकी और भलाई से माला माल फरमाए शुक्रिया वालक वरमि वरक